शांत स्वामी नामन नमस्ते सरस्वती देवे गौरव चरण निर्विशेष शून्य स्वदेश कारण जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद अरे इसको बुलाओ जय 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 प्रभुपाद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद आसन ले ले जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद कृपा करी सबे मेली करह करुणा कृपा अधम पतिता जन ना करी अघ्रिना अधम बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की इन सब के देने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की आज शुक्रवार 14 मई सबका स्वागत और धन्यवाद चौदह तारीख 1970 को प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को पत्र लिखा था वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है और वह लीलाएं आध्यात्मिक लोक में निरंतर चलती रहती हैं जिन्हें अप्रकट कहा जाता है वहां से लीलाएं शाश्वत हैं वहां ये लीलाएं शाश्वत हैं परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार उसी प्रकार जैसे 24 घंटे में 12 घंटे के लिए हमें सूर्य दिखता है जब सूर्य दिखता है तो वह प्रकट होता है और जब नहीं दिखता तो अप्रकट अप्रकट होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है इन शब्दों का प्रयोग बद्ध जीवों की देखने और ना देखने की क्षमता को के संदर्भ में किया गया है तो प्रभुपाद यहाँ ये बता रहे हैं हम सबको कि वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला जो है वो प्रकट लीला है और भगवान की नित्य लीला चलती रहती है और जो
प्रकट लीला है वृंदावन की, वे लीलाएं आध्यात्मिक लोकों में निरंतर चलती रहती हैं। जैसे मैंने कहा पहले ही प्रभुपाद कृपा से कि लीलाएं आध्यात्मिक जगत में निरंतर चलती हैं, कभी भी बंद नहीं होती। जिन्हें अप्रकट कहा जाता है वहां यह लीलाएं शाश्वत है, परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। हम सब बद्ध जीव हैं, तो कभी कभी भगवान बद्ध जीवों में अवतार लेकर के इन लीलाओं को दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार उसी प्रकार जैसे 24 घंटे में 12 घंटे के लिए सूरज दिखता है। जब सूर्य दिखता है तो वह प्रकट होता है, और जब नहीं दिखता तो अप्रकट। अभी सूर्य जब दिख रहा है तो प्रकट है, जब नहीं दिखता है तो अप्रकट है। पर ये थोड़ा कि सूरज है ही नहीं, सूरज है कहीं और है। दिन में 12 घंटे की जगह दिखता है सूरज, अप्रकट हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह है। जब इधर रात है तो सूर्यदेव कहीं और है। तो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं, तो जब नहीं दिखता है तो अप्रकट। अप्रकट होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर सूर्य नहीं दिखाई देते इसका मतलब ये नहीं कि सूरज है ही नहीं, सूरज है। इन शब्दों का प्रयोग बद्ध जीवों की देखने और देखने ना देखने की क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। तो हम बद्ध जीव हैं, कभी भगवान की लीला होती है कभी नहीं होती है, और वैसे जो भगवान का धाम है वहां निरंतर लीला चलती है, नित्य लीला प्रविष्ट भगवान की लीलाएं होती रहती हैं। कृष्ण भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जैसे राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम, वो लीलाएं करते हैं। और भगवान की लीलाएं जो हैं वे सभी मनोहारी होती हैं, मनों को हरने वाली। जब भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करते हैं तो हमारे मनों को वे लीलाएं, लीलाओं का श्रवण शुद्ध करता है। और याद रखो यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य अपने मनों को शुद्ध करना है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। प्रभुपाद कहते हैं शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हम सब अशुद्ध हैं लेकिन भगवान की लीलाओं का दर्शन करके, उनका स्मरण करके, उनका नाम लेकर, उनकी भक्ति करके हम शुद्ध हो सकते हैं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तबीयत मेरी आज ठीक नहीं है, पर बैठ गया जब मैं यहाँ पर तो मैंने सोचा भी उठना क्या है, तो कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो बड़े ही दयालु हैं, दया के सागर हैं, तो उनके पार्षद भी ऐसे ही हैं जैसे भगवान हैं। उन्हीं के स्वरूप नित्यानंद भगवान,
उनके पार्षद सब महान हैं। तो आज जो महाप्रभु की गौर भगवान की कथा का 46वां दिन है, 46th day, तो आज ये टाइटल ये है कि भगवान नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं वो शिवानंद सेन के पुत्रों को श्राप देते हैं। ये भी आप सुनेंगे क्यों श्राप देते हैं और शिवानंद सेन जी क्या सोचते हैं, ये सभी समझने और विचारने की बातें हैं। बंगाल के भक्तों ने यथा शिवानंद सेन, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, उनके तीन भाई तथा पत्नी मालिनी, राघव पंडित, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, विद्यानिधि आदि ने श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए पुनः जगन्नाथपुरी की यात्रा की। इसमें शिवानंद सेन ही अग्रीन थे जिन्होंने यात्रा का सारी व्यवस्था की थी और हर वर्ष की तरह संभाली हुई थी। शिवानंद सेन हर एक की देखभाल करते और हर भक्त को ठहरने का स्थान देते थे। एक दिन रास्ते में कर अदा करने के कारण शिवानंद सेन अपनी टोली से बहुत पीछे रह गए। वो टोली एक गांव पहुंची और एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि शिवानंद सेन के अतिरिक्त अन्य कोई उनके रहने के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकता था। इसी बीच नित्यानंद प्रभु को काफी भूख लग गई। बड़े प्रेम से बोलो नित्यानंद राम की, बोलो नित्यानंद भगवान की, जिससे वे व्याकुल हो उठे, क्योंकि उन्हें अभी तक रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया था। अतः वे शिवानंद सेन की को गाली देने लगे, बोलो शिवानंद सेन की जय। अर्जुन ने भगवान की गालियां मिलती हैं, वो भी सब भाग्यशाली होते हैं, आगे आप सुनेंगे। उन्होंने शिकायत की, शिवानंद सेन ने मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं की और मैं इतना भूखा हूं कि मर सकता हूं, क्योंकि वह नहीं आया है, अतः मैं उसके तीनों पुत्रों को मरने का श्राप देता हूं। ये श्राप सुनकर शिवानंद की पत्नी रोने लगी। शिवानंद की पत्नी वहीं थी, शिवानंद बेचारे टक्स दे रहे थे इसलिए देर लग गई। जब शिवानंद वापस आए और उन्होंने पत्नी को समझाया, अरे पगली तुम व्यर्थ क्यों रो रही हो, नित्यानंद प्रभु को जो असुविधा हमारे कारण हुई है उसके लिए हमारे तीनों पुत्रों को मरने दो। देखो भक्तों का भाव कैसा होता है, भक्त कितने भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं कि असुविधा हुई है भगवान को, शिवानंद पहचानते हैं नित्यानंद कौन है, कहते तीनों पुत्रों को मरने दो। यह कहकर शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास गए जिन्होंने उठकर उन पर पाद प्रहार किया, पांव मारा उनको अपना। इससे प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने एक ग्वाले के घर नित्यानंद प्रभु के आवास की व्यवस्था कर दी तथा नित्यानंद प्रभु को उसके निवास स्थान पर ले गए और कमरा दिया। श्रील शिवानंद सेन बड़ी विनम्रता से बोले, आज आपने मुझे अपने शिव के रूप में स्वीकार किया है। देखो ये भाव ये समझना चाहिए हमको,
शिवनंद सेन बड़ी विनम्रता से नित्यानंद भगवान को क्या कह रहे हैं, ध्यान दो सब। मान लो गुरुदेव किसी शिष्य को डांटते हैं, इसका मतलब उन्होंने उसको स्वीकार किया है, अपना सेवक स्वीकार किया है, शिष्य स्वीकार किया है। ये इस घटना से हम सब ने ये सीखना है, अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है और मेरे अपराध के लिए उचित दंड भी दिया है। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी अहित की कृपा है, मतलब बिना हित के कृपा, अहित की। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ सके? भगवान के चरित्र को हम नहीं समझ सकते। आपके चरण कमलों की धूल ब्रह्मा तक को प्राप्य नहीं है, फिर भी आपके चरण कमलों ने मेरे अधम शरीर का स्पर्श किया है। आज मेरा जन्म, मेरा परिवार और मेरे कर्म सभी सफल हो गए। आज मैंने धर्म, अर्थ, काम तथा अंततः भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है। देखो शिवनंद सेन कितने महान थे, मतलब भगवान ने श्राप दिया, पाद प्रहार किया, तो देखो क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये हमें समझना है, ये सीखना है उनसे। जब नित्यानंद प्रभु ने यह सुना तो वे अत्याधिक प्रसन्न हुए, वो बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े प्रेम से बोलो नित्यानंद भगवान की। अरे जाए तो अच्छी तरह बोला करो, ऐसे बोलते हो जैसे होश नहीं है आप में। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। जय जय नित्यानंद राम, जय 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 नित्यानंद राम, जय 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 राम, जय नित्या जय जय बल, जय नित्यानंद राम, जय जय बल राम। जय नित्यानंद राम, जय जय बल राम, जय जय नित्यानंद राम, जय जय बल राम, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु पूर्ण हैं, वो कृष्ण हैं, नित्यानंद जी भी पूर्ण हैं, वो बलराम हैं, कोई भेद नहीं है इन दोनों में। तो अभी देखो जब शिवनंद सेन इतने प्रसन्न हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने यह सुना तो वह अत्याधिक प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने उठकर अत्यंत प्रेम वश शिवनंद का आलिंगन किया, गले लगाया, लगाकर गले आलिंगन कर लिया। किंतु इस घटना से शिवनंद सेन का भांजा श्रीकांत सेन क्षुब्ध हो गया। श्रीकांत बेचारा समझदार नहीं था, बड़ा क्षुब्ध हो गया। वो बोला मेरा मामा महाप्रभु के संगियों में से एक है, किंतु नित्यानंद प्रभु उन पर पाद प्रहार करके अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं। मूर्खता है, भगवान को क्या कोई समझेगा। यह कहकर श्रीकांत जो कि अभी बच्चा था, अपनी टोली छोड़कर अकेले ही श्रीमन महाप्रभु के निवास स्थान पर चला गया। जब श्रीकांत ने श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार किया तो वह अपनी कमीज तथा कोट पहने था, इसलिए गोविंद ने उससे कहा हे श्रीकांत, सर्वप्रथम अपने कपड़ों को उतार डालो, ऐसे प्रणाम करना ठीक नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने हंसकर गोविंद से कहा श्रीकांत पहले ही दुखी होकर मेरे पास आया है, इससे इस समय कुछ मत कहो। यह कहकर श्री हरि ने श्रीकांत से नदिया के भक्तों के समाचार पूछे। जब श्रीकांत सेन ने महाप्रभु को
यह कहने कहते सुना कि वह दुखी है तो वह समझ गया कि महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, भगवान तो सब जानते हैं। वो समझ गया कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। अतः उसने नित्यानंद प्रभु द्वारा शिवनंद सेन पर पाद प्रहार किए जाने की घटना का महाप्रभु के सामने उल्लेख नहीं किया, वही वो सब जानते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा। श्रीकांत ने कहा, हे प्रभु, इस वर्ष आपके दर्शनों के लिए नवद्वीपवासी प्रायः सभी भक्त आए हैं और जिन बच्चों का आपके सन्मुख जन्म नहीं हुआ था वे भी आपके श्री चरणों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्री निमाई चांद ने तुष्ट होकर कहा, वे कौन? श्रीकांत ने उत्तर दिया, भगवान, एक तो शिला अद्वैताचार्य के पुत्र विष्णुदास और गोपालदास हैं और एक उनके साथ श्रीनाथ नामी ब्राह्मण बालक है। श्री गौर सुंदर ने कुछ आश्चर्य प्रकाश करते हुए प्रश्न किया, श्रीनाथ, तुम्हारे मामा का संग छोड़कर श्री अद्वैताचार्य के संग क्यों आ रहे हैं? श्रीकांत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, श्रीनाथ आचार्य चरण के बड़े कृपा पात्र हैं। उन्होंने उनसे कह दिया है कि हम एकांत में तुम्हारा श्री गौरचंद्र से मिलन करा देंगे और उनसे तुम्हें अपना दास बना लेने की भी प्रार्थना करेंगे। इसी आशा में श्रीनाथ आचार्य के संग आ रहे हैं। श्री गौरहरि ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए स्वरूप दामोदर से कहा, स्वरूप, सुनो, शंकरावतार श्री अद्वैताचार्य जिन्हें अपने साथ ला रहे हैं वे श्रीनाथ अत्यंत रसिक पुरुष मालूम होते हैं, तुम उनका विशेष ध्यान रखना। तदंतर भक्तवत्सल श्री भगवान ने पुनः श्रीकांत से जिज्ञासा की और कौन आए हैं? श्रीकांत ने कहा, दो पुत्र मेरे मामा जी के आए हैं, वासुदेव दत्त के पुत्र आए हैं तथा रामानंद बसु के दो पुत्र आए हैं। श्री गौरसुंदर इन बालकों का आना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और आग्रह सहित पूछने लगे, क्या मैंने इन बालकों को पहले नहीं देखा? श्रीकांत ने सवनीय उत्तर दिया, भगवान, ये बहुत छोटी अवस्था के हैं, इन्हें अभी तक आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए हट करके अपने माता पिता के संग आ रहे हैं। भक्तवत्सल यह सुनकर प्रेम में गदगद हो गए, उनके दोनों नेत्र कमलों में प्रेम अश्रु भर आए। गौर भगवान जो है ना, प्रेम भाव से भरे पड़े हैं, ये उनका स्वरूप कृष्ण राधा भाव, राधा जी का प्रेम भाव है। तो जब भी भगवान का भाव उमड़ता है तो भगवान की आंखों में, उनके नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु भर आते थे। श्री गौर भगवान के भक्त वात्सल्य का साक्षात परिचय पाकर श्रीकांत भी प्रेम रुदन करने लगे। स्वरूप दामोदर तथा पूरी गोस्वामी को लक्ष्य करके श्री गौरांग देव ने कहा, ये बालक बड़े भाग्यशाली हैं, इस वर्ष इन्हीं के कारण से सब भक्तगण को मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री गौर सुंदर के इन वचनों का कुछ विशेष अभिप्राय है।
बात यह है कि जब श्रीमन महाप्रभु नीलाचल से श्री वृंदावन चले गए, तब नदियावासी भक्तों ने यह समझ लिया था कि श्री गौर हरि का पुनः वहाँ से लौटकर आना कठिन है, क्योंकि ये अपने निज धाम चले गए हैं और ब्रज से ब्रज बिहारी का इधर उधर जाना बनता नहीं। परंतु इन नदियावासी बाल भक्तों की आकुल पुकार सुनकर भक्तवत्सल श्री गौर हरि को वृंदावन छोड़कर पुनः श्री क्षेत्र में लौटकर आना पड़ा। तभी आपने यह कहा, इस वर्ष इन बालकों के निमित्त से ही भक्तों को मेरे दर्शन हो जाएंगे। बालक श्री भगवान को सहज प्रिय हैं, क्योंकि उनका हृदय अत्यंत सरल कपट रहित होता है। बच्चों का हृदय जो है सरल होता है और कपट कुछ नहीं होता। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी को भी बालक बच्चे बड़े प्रिय थे, क्योंकि बच्चों के हृदय में कोई छल कपट कुछ नहीं है। और हमारे गौर भगवान जो हैं, उन्हें कोई बच्चे बड़े प्रिय थे। उनका हृदय अत्यंत छल सरल कपट रहित होता है, सरल और कपट रहित होता है। उनकी सच्ची एवं करुण पुकार को सुनकर श्री भगवान से रहा नहीं जाता। इसके शास्त्र में अनेक प्रमाण विद्यमान हैं, इसलिए नदिया के बाल भक्तों की सरल प्रेम युक्त पुकार से आकर्षित होकर श्री गौर भगवान को श्री वृंदावन छोड़कर नीलाचल आना पड़ा। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान ये संकेत दे रहे हैं गौर हरि कि वृंदावन तो उनका धाम है, वो ही कृष्ण रूप में वहाँ रहे। तो सब ने ऐसे सोचा था भगवान नहीं आएंगे, अभी वृंदावन गए हैं, वो उनका धाम है, उसको छोड़ के नहीं आएंगे। लेकिन बच्चे जो हैं, जिनके दर्शन, जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, वो सब आए हैं। उनका भाव था भगवान के दर्शन करने का, तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए उन्हीं के बहाने से, बच्चों के बहाने से बाकियों को दर्शन दे रहे हैं। बोलो कृपा सिंधु गौर भगवान की। आगे पुरी दास की कविता का वर्णन आ रहा है। शिवनंद सेन अपने तीनों पुत्रों को साथ लेकर अगले दिन प्रातःकाल श्री गौर सुंदर के दर्शनों को आए। उनके छोटे पुत्र को देखकर श्री हरि ने सबसे पहले उसी का नाम पूछा। शिवनंद सेन ने उत्तर दिया, भगवान इसका नाम परमानंद दास है। पहले जब शिवनंद सेन श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों को आए थे, तब उनकी धर्मपत्नी गर्भवती थी। श्री गौर हरि ने उस समय कृपाशीर्वाद देते हुए यह कहा था, शिवनंद आपके जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम तुम पुरीदास रखना। बोलो पुरीदास जी महाराज की। परंतु शिवनंद सेन उस बात को भूल गए और आपने उस बालक का नाम परमानंद दास रखा। शिवनंद सेन ने अपने उस पंचवर्षीय परम सुंदर बालक पुत्र को श्री गौर भगवान के चरणारविंद में लिपटाते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक को कृपा करके अपनी चरण रज से कृतार्थ कीजिए। कितने भाग्यशाली थे शिवनंद जी महाराज, बच्चा श्री भगवान के चरणारविंद में पड़ा हुआ
उनके पैर के अंगूठे को बड़े प्यार से देख रहा था। कृपा निधि श्री गौर सुंदर ने तब उस परम सौभाग्यवान बालक के मुख में अपने श्री चरण के अंगूठे को देते हुए कहा, वत्स कृष्ण कृष्ण कहो। बालक उस दिव्य अति दिव्य परम दुर्लभ प्रेमामृत को पान करके सुख सागर में निमग्न हो गया। उसके मुख से एक शब्द भी उच्चारण नहीं हुआ। यह देखकर श्री गौर हरि ने स्वरूप दामोदर को लक्ष्य करके कहा, मैंने जड़ चैतन्य से कृष्ण कृष्ण कहला दिया, परंतु यह बालक मेरे मुख से श्री कृष्ण नाम सुनकर भी उसे नहीं बोलता। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे महाप्रभु, आपसे तो श्री कृष्ण नाम के द्वारा उसे दीक्षित कर दिया, परंतु वह मंत्र प्राप्त करने के बाद सबके सामने उस मंत्र को व्यक्त नहीं करेगा। यह बालक मन की मन मंत्र का जप करता है, उसे उच्च स्वर से नहीं करता। जहां तक मेरा अनुमान है, यही उसका मनोभाव है। श्री गौर सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो तुम्हारी पंडिताई की बात है। भगवान कहते, तेरी पंडिताई की बात है। तदंतर श्री गौर हरि ने उस बालक को संबोधन करते हुए गंभीर वाणी में कहा, बालक श्री कृष्ण यश वर्णन करो। इतना कहना था कि उस बालक ने तत्काल ही एक बड़ा विलक्षण संस्कृत का श्लोक उच्चारण किया, जिसका अर्थ इस प्रकार है, श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के कानों के लिए नीले कमल के फूल के तुल्य हैं, आंखों के अंजन हैं, वक्षस्थल के लिए इंद्रनील मणि की ली माला है और उनके अमूल्य आभूषण हैं। उन भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की जय हो। हालांकि वह केवल 7 वर्ष का था और उसे कोई शिक्षा नहीं मिली थी, फिर भी उसने इतना अच्छा श्लोक रच दिया, इससे सब आश्चर्यचकित हो उठे। इसको सुनकर श्री गौर सुंदर प्रेमानंद में गदगद हो गए और कहने लगे, आहा, तेरे इस श्लोक से मेरे कान आनंद से परिपूर्ण हो गए। जा, आज से इसका नाम कभी कर्णपुर होगा। कभी कर्णपुर नाम गौर भगवान ने उस बालक को दिया। बोलो कभी कर्णपुर जी महाराज की। शिवानंद सेन अपने पुत्र के इस सौभाग्य को देखकर प्रेमानंद में मगन हो गए और उसको गोद में उठाकर श्री गौर सुंदर के सन्मुख ही मधुर नृत्य करने लगे। श्री महाप्रभु के कृपा पात्र यह परमानंद दास ही आगे चलकर कवि कर्णपुर गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें महाप्रभु ने संस्कृत भाषा में श्री गौर लीला लिखी है। श्री चैतन्य चरितामृत, चरित महाकाव्य कथा, तथा श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक, इन दो श्री ग्रंथों में आपने जो असाधारण कवित्व शक्ति का प्रकाश किया है, वह भगवत कृपा बिन असंभव है। परमेश्वर मोदक,
इस वर्ष नवदीप से श्रीमन महाप्रभु के एक पड़ोसी भी, जिनका नाम परमेश्वर मोदक है, श्री भगवान के दर्शनों को आए हैं। नवदीप में श्री गौरचंद्र के घर के सनेक्ट ही इनका घर और मिठाई की दुकान है। शिशुकाल से ही श्री निमाई चांद पर इनका बड़ा स्नेह है। बचपन में श्री गौर सुंदर ने इनकी दुकान के खूब मोदक उठाए हैं। श्रीमन महाप्रभु को देखते ही परमेश्वर बड़े प्रेम से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उत्तम उत्तम मिठाइयाँ खिलाया करते थे। इनकी धर्मपत्नी भी शिशु गौरांग पर बड़ा स्नेह रखती थी। इस वर्ष परमेश्वर अपने कुटुंब सहित श्री गौर हरि के दर्शन करने नीलाचल आए हैं। इनके पुत्र का नाम मुकुंद है। यह अब वृद्ध हो गए हैं। इनकी गृहिणी श्री गौर सुंदर को पुत्र से भी अधिक प्यार करती है। परमेश्वर आकर श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद में गिर गए और रोते रोते कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपका वही पुराना पड़ोसी परमेश्वर हूँ, मैं आ गया हूँ। श्री गौर सुंदर परमेश्वर को देखकर हर्षित होकर बोले, परमेश्वर तुम अच्छे हो, अच्छा किया तुम आ गए। तुमको देखकर मेरा मन बड़ा आनंद में मगन हो रहा है। परमेश्वर ने आनंद में गदगद होकर कहा, भगवान मुकुंद की माँ भी आई है। स्त्री की बात सुनते ही श्री गौर हरि संकुचित हो गए, परंतु आपने परमेश्वर से कुछ नहीं कहा। उसकी सरल प्रकृति देखकर आप मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इनकी भक्तिमती धर्मपत्नी जो कभी श्री गौर सुंदर को अपनी गोद में बिठाकर मुख चुमा करती थी, आज भयवश दूर खड़ी हुई प्रभु का दर्शन कर रही है। इन बेचारे भोले भाले दंपति को क्या पता था कि श्री गौर हरि ने संन्यास लेकर यह नियम कर लिया है कि वह स्त्री मात्र का मुख नहीं देखते। तो क्या स्त्री का नाम भी कानों से सुनना नहीं चाहते? परमेश्वर श्रीमन महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके अपने निवास स्थान को पधारे। चलते समय भक्तों ने रोकते हुए कहा, भक्त जी, आप फिर कभी स्त्रियों के साथ दर्शन करने मत आना। परमेश्वर दास तो वात्सल्य रस में निमग्न थे। यह भक्तों की के मुख की ओर देखते रह गए, कुछ उत्तर नहीं दिया। बोलो परमेश्वर दास जी की, बोलो भक्तवत्सल गौर सुंदर भगवान की। देखो, एक शिक्षा यहाँ पर हम सभी के लिए है। शिक्षा ये है कि स्त्रियों से भगवान दूर रहते थे। संन्यास लेने के बाद भगवान ने ये नियम बनाया था कि वो स्त्री का मुख भी नहीं देखेंगे। तो इसमें क्या शिक्षा है कि मनुष्य के पतन का कारण स्त्री है, ये याद रखो। भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो भक्त के रूप में हैं,
तो वो जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। शब्द हैं अपनी अचारी प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से भगवान जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को स्त्रियों के प्रति मां भाव, माता का भाव रखना चाहिए और स्त्रियों से बड़ा घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो ये इच्छा करते हैं कि मुझे गौर कृपा मिले, मैं जन्म में धाम में जाऊं, तो उन सब के लिए ये पालन करना बड़ा आवश्यक है। अगर किसी का पतन हुआ तो स्त्री के कारण ही पतन होता है। हम सब बद्ध जीव हैं, बंधन में हैं। भगवान तो उनको कोई बंधन नहीं, लेकिन अभी वो भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, भक्त बन के आए हैं, क्योंकि हम कलयुग के लोगों को भगवत धाम जाने का जो मार्ग बताने के लिए, धाम में तुम कलयुग के लोगों जब स्त्री से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं होगा तब तुम भगवत धाम जा सकते हो। और हम कलयुग के लोग स्त्री के लिए सदा ललायत रहते हैं, पर वो आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये याद रखो। भगवान अपना प्रभुपाद जी ने ये कहा है, अगर कोई गृहस्थी बन जाता है अभी कलियुग के लोगों को, तो उसके धाम में जाने के जो चांसेस हैं, मौका जो है आधा रह जाता, 50% खत्म हो जाता है। तो स्त्रियों को भी समझना चाहिए अपने कल्याण के लिए, वो भी पुरुषों से दूर रहें, ज़्यादा पुरुषों के साथ घुले मिले नहीं, और पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए अपनी चेतना को जागृत करने के लिए। स्त्रियों के प्रति मां का भाव रखो। अगर मन में कुभाव आ गया तो अपनी कृष्ण चेतना जो सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत नहीं होगी। उसको जागृत करने के लिए स्त्री का सम्मान महाप्रभु ने ही सिखाया है। और देखो भगवान जैसे पहले वर्णन आ चुका है पहले की कथाओं में, संन्यास के बाद भी जब भगवान माता सच्ची को मिले थे तो भगवान ने दंडवत प्रणाम की थी माँ को। दंडवत प्रणाम करके माता की प्रदक्षिणाएं की थी। स्त्री सम्मान के योग्य है, पूजने के योग्य है। पर अगर हम लोग अभी तो हमारी अवस्था ऐसी है, वो तो भगवान है, त्रिलोकीनाथ हैं, उनमें तो कोई विकार का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन वो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग जो विकार विकारों से भरे पड़े हैं वो स्त्री को दूर से नमस्कार करें, स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध मंत्र स्थापित करें। ऐसा करने से उनकी जो कृष्ण चेतना जो है वो जागृत नहीं होगी, वो बेचारे ठगे से रह जाएंगे। तो ध्यान रखो भगवान की प्रत्येक लीला शिक्षा देने वाली है, उसमें शिक्षाएं हैं, वही गौर भगवान के जीवन, भगवान की जो लीलाओं का जो है उद्देश्य था कि अपने आचरण से
कलियुग के जो पति जीव हैं उनका भी उद्धार किया जाए, उनको भी धाम में ले जाया जाए, यही इस अवतार का प्रकाश है। और मैंने प्रभुपाद जी के मुख से क्या सुना, प्रभुपाद जी कहते थे आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा ये जो मिशन है, जो आंदोलन है, क्या है, आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी, जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी और अपनी भावना उनकी सो ही कृष्ण भावना को जागृत करेंगी। तो ये कब होगा, जब हम स्त्री के प्रति अच्छा भाव रखेंगे। स्त्री के प्रति अगर भाव अच्छा नहीं है तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। गौर भगवान हम सब पर कृपा करें, अपने चरण कमलों का आश्रय दें, हमारे मलिन मनों को शुद्ध करें। गौर भगवान बहुत दया में, बोलो गौर भगवान की जय। सचिनंदन गौर हरी जय सचिन, गोविंद हरी गोपाल हरी गोविंद। वंदे कृष्ण नंद कुमार, नंद कुमार मदन गोपाला, मदन गोपाला मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, वंदे कृष्ण नंद कुमार, नंद कुमार मगनन गोपाला, मदन गोपाला मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, दीन दयाल जय दीन दयाल, दीन दयाल दीन दयाल अति कृपा, दीन दयाल अति कृपाल
दीन दया अति अति कृपालु दीन दयालु दीन दयालु अति कृपालु बोलो अति दयालु दीन दयालु गौर भगवान की बोलो नित्यानंद राम की बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण। छोटे गोपाल प्रभु रामबन से हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी हम जप करते समय अपनी कंसंट्रेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं? आपकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे अच्छी होगी, प्रयास करो जो शब्द बोलते हैं उनको सुनने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो सुनकर के जप करना। इससे क्या होगा कि हमारी अंतरात्मा धीरे धीरे शुद्ध होगी और हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एक भजन में हमारे आचार्य कह रहे हैं, गुरु से कृपा की याचना की है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षा अतिहीना। हे गुरुदेव अपने इस दास को तृण से ज्यादा विनम्र बना दो। सकल सहाने बल दिया करो निजा माने स्प्रहाहीना। मुझे ऐसा बना दो कि अपने मैं मान की इच्छा ना करूं किसी से, मान की इच्छा ना हो, मैं किसी से मान सम्मान की इच्छा ना करूं। हम में बड़े दोष हैं छोटे गोपाल जी, तो जप करने से ही धीरे धीरे जप को जब आप नाम को कानों से सुनेंगे यही धीरे धीरे दोषों को निकालेंगे और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। उत्सव अमृतसर से गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी हम मूर्ख हैं लेकिन सामने वाले को मूर्ख समझते हैं, अपने को ज़्यादा बुद्धिमान, और यहीं से सारी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे तो हम अपने को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं लेकिन जब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं और आपका प्रवचन सुनते हैं तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने सारे दोष मेरे अंदर हैं। गुरु महाराज मेरे जैसे पतित नालायक को आशीर्वाद देना कि मैं अपने आप को मूर्ख नंबर एक समझ सकूं और मेरे अंदर के दोष निकल सकें। आपका पतित दास। उत्सव अच्छी बात है। पहले तो हमें अपने दोष दिखते ही नहीं। अब जैसे उदाहरण है, हमारी पीठ है, पीठ में मैल जमी हुई है, अपनी पीठ की मैल को हम नहीं देख सकते, तो हमारा स्वभाव है दूसरों के दोषों को देखना। तो तेरी भावना अच्छी है, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ हैं, इन बातों को पहले ध्यान में लाना है। कुछ ऐसे भी वक्त हैं उनकी जब आपको दोष बताते हैं तो 50 बातें हमें उनकी सुननी पड़ती हैं, मतलब वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम गलत हैं ही नहीं। तो फिर कई बार हम हार जाते हैं, कहते हैं भाई वो भगवान ही साथ में पर कृपा करेंगे, इसको इसके दोषों का अनुभव करवाएंगे। तो तेरे अंदर ये भावना आ रही है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। प्रभुपाद जी का भी ध्यान करो, उनके चरणों में प्रार्थना करो और आदि गुरु नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बड़ा बड़ा आभार, जिन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग
तीन बार हरी बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज वृंदावन से श्रीमन रघुनंदन दास प्रभु और श्याम भवी माता और अनसुईया माता की तरफ से नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए उन्होंने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू से बिंदु गुप्ता माता जी ने व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। कौन सी माता? बद्रीनाथ प्रभु की बेटी बिंदु। बिंदु अमेरिका से महात्मा दास जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। और आज सूरत से पारुल कीर्ति और दिव्यम की तरफ से जो आज सुबेरे का प्रसाद है वो उनका उनकी तरफ से आयोजन किया है और फल प्रसाद उनकी तरफ से वितरण किया गया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। तो आज मोहिनी माता और सुबलदास जी के सुपुत्र श्यामुल और हिमांगनी का आज शादी की सालगिरह है, तो उस उपलक्ष में मोहिनी माता जी की तरफ से सायंकाल का प्रसाद है और ये केक है, और उन्होंने कहा है मोहिनी माता कितनी सालगिरह है जी श्यामुल की और हिमांगनी की? कितने साल? 2011 में शादी हुई थी, अब इतना तो मुझे याद कुछ कहा सालगिरह नहीं, शादी की सालगिरह। तो आज उनको आशीर्वाद दें गुरु महाराज और ये केक आप उनकी तरफ से काट दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।